पर दोस्तों राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से अपने हाथ की नस काटने की जो एक्टिंग की थी राधा ने, वो एक्टिंग को भाप लिया है और फाइनली डॉक्टर से कॉल करने के लिए बोल दिया है राधा ने कि इनकी कोई नस नहीं कटी बल्कि ये सब कुछ ढोंग है, चाहे तुम डॉक्टर से कॉल करके पूछ लो। जिसके बाद में मोहन बोलता हुआ नजर आ रहा है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। जिसके बाद में आप लोग जानते ही हैं कि इस पूरे व्याख्या को तुलसी ने देखा था और तुलसी ने फाइनली राधा को बताया कि इसका कोई भी हाथ कटा नहीं है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि तुलसी इस समय पल पल कदम कदम पर साथ देती हुई नजर आ रही है राधा का। साथ ही दोस्तों मोहन की अगर बात की जाए तो मोहन बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे ये करना है क्योंकि तुम मेरे लिए मैटर ही नहीं करती हो। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि मैं अब तुम्हें जिंदगी भर तो तुम्हें रखूंगा तो सही, लेकिन जिंदगी भर मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में एक से बढ़कर एक नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां पर दामिनी और दामिनी की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं कि चलो फाइनली मोहन तो लड़ ही रहा है, क्योंकि मोहन जिस तरीका से झगड़ा कर रहा है राधा के साथ में उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है इस समय दामिनी और दामिनी की माँ को। लेकिन दोस्तों खुलासा आखिर कब तक रुकेगा, क्योंकि खुलासा तो खुलासा ही है और ये जल्दी ही खुलासा देखने को मिलेगा कि किस तरीका से खुद मोहन बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि मैं इस शादी से ना कभी खुश था ना कभी होऊंगा, क्योंकि राधा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी जिंदगी को लेकर इस तरीका की प्लॉटिंग प्लानिंग करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की मानता था, लेकिन राधा आज के बाद मैं मेरी पत्नी तो हो लेकिन अधिकार कोई नहीं मिलने वाला तुम्हें। साथ ही दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा। थैंक यू।